नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अभिन 24 न्यूज़। दोस्तों तस्वीरें आप इस समय देख सकते हैं करनाल के करण पार्क से, और जहां पर सभी आप देख सकते हैं तस्वीरों में जितने भी लोग बैठे हैं आप देख सकते हैं विकलांग पेंशन को लेकर, और कहीं ना कहीं जो है उन्होंने पहले धरने भी दे चुके हैं, और अब जिस तरीके से चुनावी माहौल चल रहा है ऐसे में सभी जो यहां पर लोग हैं पहुंचे हुए हैं उनसे बातचीत करेंगे। उनका कहना है कि उनकी मांगे भी अधूरी रह गई, जबकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा संख्या में एकत्रित होकर उन्होंने अपनी मांगे रखी, जिला सचिवालय के बाहर धरने दिए और कई बार ज्ञापन दिए, लेकिन अभी तक उनकी मांगों पर कोई भी विचार नहीं हुआ है। यहाँ पर बातचीत कुछ लोगों से करने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ बताना चाहेंगे जी, आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं सभी के सभी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार, मैं सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि आज हमारा जो यहाँ इकट्ठा होने का मेन मोटिव यही है कि आज हरियाणा में पूरे देश में इलेक्शन चल रहा हुआ है, तो उसी मुद्दे को लेकर के, क्योंकि विकलांग समाज भी अपनी जो इलेक्शन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और विकलांग समाज को भी अपने मत का अधिकार करने का उपयोग करने का अधिकार मिला हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन पिछले कई सालों से आप भी देखते आ रहे हो कि विकलांग समाज अपने अधिकारों के लिए जो है धरना प्रदर्शन करते आ रहा है, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते आ रहा है, लेकिन मौजूदा 10 साल से बीजेपी सरकार है, सत्ता में है, लेकिन विकलांगों की कोई भी सुध नहीं ले रही है। तो जो मांगी थी वो क्या क्या मांगी थी, जो आपने पहले भी धरने भी दिए हुए हैं, क्या कुछ मांगी थी? विकलांग समाज की जो मूलभूत जो मांगे हैं, एक तो विकलांग समाज को चाहता है कि जो 1991 से उसका जो बैकलॉग पेंडिंग पड़ा हुआ है उसको पूर्ण रूप से और सरल प्रक्रिया के द्वारा जो उसको पूर्ण रूप से भरा जाए। ठीक है। और जो हमारे विकलांग समाज के जो साथी ओवरेज हो चुके हैं या कुछ तकनीकी शिक्षा से वंचित हैं, तो उनको जो है कि जो हम हमारे विकलांग एक्ट में उनको पेंशन का दायरा जो है डीसी रेट पर दिया गया है वो उसको दिया जाए। ठीक है। और विकलांग समाज जो है तभी एक अपना स्वाभिमान की जिंदगी जी सके। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी अपनी मांगों को रखने के लिए देख सकते हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं काफ़ी सारे लोग, इस समय देख सकते हैं यहाँ पर भी मौजूद हैं। कुछ और लोगों से भी हम बातचीत करेंगे। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, आप भी यहाँ पर हैं और क्या कुछ मांगे जो हैं पिछले दिनों में लगातार जैसा कि बता रहे हैं, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम जी कुछ हमारे कुछ बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा, हम धरने प्रदर्शन करते हैं और हमारी मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, इसलिए हम ये कहते हैं कि हम उसी सरकार को अपना मत देंगे जो हमारी तरफ देखेगी, कुछ कर सकेगी, हमारा उसी को ही वोट देंगे जी। आप देख सकते हैं कि उनका यही कहना है कि जो इनकी मांगों की ओर ध्यान देगी जो सरकार, उसी को ही जो वोट हैं ये देंगे। लेकिन अभी कुछ और लोग हैं उनसे भी बातचीत करते हैं, काफ़ी सारे लोग अपनी बात रखना चाह रहे थे कैमरे पर, बातचीत करेंगे जी। आप क्या कहना चाहेंगे, आप भी पहुंचे हैं यहाँ पर और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो सभी जो दिव्यांग समाज से लोग हैं उनकी लगातार मांगे पिछले काफ़ी समय से उठ रही हैं? भैया आई बैन 24 का मैं नमस्कार करता हूँ। भैया हमने हरियाणा कौशल रोजगार के तहत फार्म भरे थे और मतलब सारे विकलांग पेंशन जो हरियाणा रोजगार कौशल के जो फार्म भरे थे वहाँ पर 236 का चालान कटा था। मैं एमए बीएड हूँ मैं। ठीक है। और अभी मेरे 1 लाख तक कम इनकम भी है और आज तक भी कोई रोजगार नहीं दिएगा। ठीक है। जब रोजगार नहीं देना था 236 रुपये का चालान काट का, तो सरकार ने पीछे पाथने की काम की किया, मतलब पैसे इकट्ठे करने का काम क्यों किया गया? इसमें सारे विकलांग भी आ गए, सारे युवा साथी भी आ गए। फार्म इतने फार्म भर दिए हैं हरियाणा कौशल रोजगार के तहत, पंचकुला भी गया हमें, मैंने ये कहा कि हम तीन घर में विकलांग है, मेरे को रोजगार में भरा था। हाँ हाँ। तो फिर क्या निकला उसका? उसमें कुछ नहीं, मेरे को रोजगार नहीं दिया, मैं खुद पंचकुला भी बाहर रिक्वेस्ट करने के लिए गया, हम घर में तीन विकलांग है, मेरे को रोजगार दिया जाए, फिर भी कोई मतलब इग्नोर कर दिया। और 236 के चालान के हिसाब था मैंने इतने फार्म भर दिया कि सारे विकलांग पेंशन सारी खत्म उसी में कर दिया, आज तक भी कोई रोजगार नहीं मिला। सर जी मैं यही कहना चाहूँगा जी सरकार, मेरा नाम सुकरम पाला जी, मैं बाढ़ पवाने से हूँ जी। आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी लोग हैं और भी कुछ लोगों से बातचीत हम करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, आप भी यहाँ पर मौजूद हैं और अभी चुनावी माहौल भी चल रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सभी लोग अपनी मांगे दोबारा से उठा रहे हैं, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, आप भी आए हैं आज इकट्ठे जी? मैं कुरुक्षेत्र से पवन कुमार उमरी और कुरुक्षेत्र विकलांग विकास कल्याण ट्रस्ट का कोषाध्यक्ष
हूँ सर, और मैं अपील करना चाहता हूँ भी ऐसी सरकार का हम आविष्कार करते हैं जिन्होंने पिछले 10 साल से हमारी भी आज तक ना कोई सुध ली और ना ही आज कोई हमारी कोई डिमांड पूरी की जी। तो दूसरी बात, हम मेरे तो यही अपील है भी जो हमारे दिव्यांग साथी पढ़े लिखे हैं 1995 से जो हमारा कोटा खाली पड़ा है डिसेबल पर्सन का, वो तुरंत प्रभाव से भरा जाए। और दूसरी बात, जो हमारे दिव्यांग साथी पढ़े लिखे हैं उनको रोजगार दिया जाए। जो हमारे दिव्यांग साथी अनपढ़ रह गए हैं या किसी कारणवश ओवर एज हो चुके हैं उनको डीसी रेट की पेंशन दी जाए ताकि हम सारे काम अपने खुद से कर सके, हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी लोग अपनी मांगे रख रहे हैं। एक और व्यक्ति, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे मांगों को लेकर? आप भी जो है कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शनों में रहे हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे? मैं सतबीर सिंह कुरुक्षेत्र, डिस्ट्रिक्ट लेवल समिति मेंबर कुरुक्षेत्रा से, और मैं यही कहना चाहूँगा मौजूदा सरकार से कि दिव्यांगों का संघर्ष 15 वर्षों से जो चल रहा है, चाहे उससे पहले की सरकार रही है ये की, लेकिन एक उम्मीद थी कि बीजेपी सरकार शायद विकलांगों की एक सुध ले, लेकिन इस सरकार द्वारा भी विकलांगों को निराशा ही हाथ लगी। वह जैसा कि जो भी सरकार बनती है अपना घोषणा पत्र इख्तियार करती है, आज तक पूरे भारतवर्ष में कभी भी किसी भी सरकार के द्वारा ये तय नहीं किया गया कि घोषणा पत्र में किसी पार्टी द्वारा कि दिव्यांग को भी कोई सहायता या उनके द्वारा भी कोई रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। दोस्तों, मैं ये भी कहूंगा जितने भी दिव्यांग साथी हमारे सामने अब मौजूद हैं, हम लोगों ने जो भी कोर्सेज वगैरह किए थे उसके अनुसार हमारी अवरेज भी हो चुकी है, और जो सरकार द्वारा एक सुविधाओं की बात करें कि स्वच्छ भारत का नारा दिया गया या सबका साथ सबका विकास का नारा दिया गया, तो ये पूंजीपतियों के लिए दिया गया, विकलांग वर्ग के ये लिए नहीं दिया गया। आज भी विकलांग साथी हर जिले में इतने हैं कि जिनके पास सर पे छत नहीं है, लैट्रिन बाथरूम की सुविधा नहीं है, बीपीएल राशन कार्ड की सुविधा नहीं है, और तमाम जो सुविधाएं उनसे भी विकलांग वंचित पड़े हैं। और अगर इनका ब्यौरा जानकारी भी चाहिए तो आपने ग्राम स्तर पर जो भी वीडियो ऑफिस बनाए गए हैं, आपने कभी उनके बारे में छानबीन नहीं करना चाहिए, और आईएएस ऑफिसर भी मैं कहूंगा कि उनकी भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक रहती है, या फिर वो किसी सरकार के हाथों मजबूर हैं कि वो जो दिव्यांगों के कार्य नहीं कर पा रहे हैं। कुल मिला के मैं इतना ही कहूंगा कि जो चोट विकलांगों को दी गई है उसे जल्द से जल्द उस पर कोई मरहम लगाने का कोई तरीका निकाला जाए, नहीं तो ऐसी चोट सरकार को तहस नहस न कर दे कि जो विकलांग चोट उसको दे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी लोग मौके पर हैं। आप भी कहना चाहेंगे, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं IBN 24 का यहाँ पर पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और उनके मैं सरकार से सिर्फ अपील करता हूँ कि हमारे विकलांगों की भी सुध ली जाए। हमने भी बार बार धरना प्रदर्शन किया, अपनी मांगे सरकार तक पहुँचाई, परंतु किसी भी सरकार ने हमारी मांग को पूरा नहीं किया। अगर जल्द हमारी सरकार ने कोई मांग पूरी नहीं की है, हमारी मांगों पर विचार नहीं किया गया, तो हम आने वाले इलेक्शन में 25 मई 2024 को अपनी वोट सरकार के विरुद्ध देंगे, ताकि सरकार को भी पता चले कि विकलांगों की भी ताकत क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी जो वोट की ताकत है उसको भी जरूर यहाँ दर्शाया है, और उन्होंने कहा है कि वो उसी को वोट देना पसंद करेंगे जो उनकी बात को सुने, जो उनका जो ज़रूरतें हैं उनके बारे में समझे। और उनका ये भी कहना है कि जब भी कोई घोषणा पत्र बनता है तो उसमें जो दिव्यांग हैं उनके बारे में कभी कोई बात जो है वो नहीं की जाती है। अभी फिलहाल देखते हैं, जिस तरीके से चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे ही लगातार लोग अपनी मांगों को जरूर यहां पर रखते हुए नजर आ रहे हैं। एक सज्जन यहां पर भी बैठे हैं और उनसे भी हम बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप भी जो है कहीं ना कहीं अपनी बात रखना चाह रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं सलिंदर सिंह, डिस्ट्रिक्ट करनाल से। सबसे पहले मैं दर्शकों को नमस्कार करना चाहूँगा कि आज हमारे विकलांग संगठन के साथी जो इतने परेशान हैं, लगभग 28-29 सालों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं लगातार, और हमारी मांगों को आज तक इग्नोर ही किया गया, अनदेखा किया गया। किसी भी सरकार के माध्यम से हम लोगों को सहायता, अनुदान, किसी प्रकार से भी, मतलब रोजगार, हर समस्याएं जो हमारे बीच में आ रही हैं, हमारे सामने आ रही हैं, हर विकलांग साथी हमारा उन समस्याओं को लड़कर जीवन जीने के लिए मजबूर है, लेकिन किसी भी सरकार की आज तक आंखें नहीं खुली। किसी भी जो भी सरकार कार्य करती है पूंजीपतियों के लिए करती है, हम लोगों के लिए आज तक सरकार सोचने के लिए जरा भी इस पे नहीं आई जमीनी सत्र पर। और विकलांग साथी जो इतने परेशान हैं, सबसे पहले मैं एक बात करना चाहूँगा, हम लोग गुहार लगा रहे हैं, मैं कहता हूँ विकलांग साथियों को कि हमारी मांगे सरकार के प्रति मांगना हम बंद कर दें। क्यों? क्योंकि ये सरकार हमारा दर्द नहीं समझने वाली, हम इस सरकार के विरुद्ध जाएंगे। और दूसरा, हम एक बात बिल्कुल सभी साथियों से कहना चाहेंगे स्टेट के सत्र पर, हरियाणा राज्य सरकार के खिलाफ, कि जो आज लग सरकार ने हमारे अनदेखी करी है,
उसका हम इस 25 मई को बिल्कुल रिजल्ट देंगे और किसी भी स्थिति में हम लोग ऐसे पीछे नहीं हटेंगे। सिर्फ दो मिनट की बात है कि आज तक हमने अपनी, मैं 42 साल की उम्र हो चुकी है, आज तक क्या जमीनी सत्र पे, गांव के सत्र पे क्या हमारे विकलांग साथियों का आरक्षण नहीं है? गांव में सरपंच बना दिया जाता है रिजर्वेशन से, क्या हमारे साथियों को इलेक्शन लड़ने का अधिकार नहीं है? हमारे साथी विकलांग साथियों में कोई पढ़ा लिखा नहीं है जो आज तक किसी भी सत्र पे हमारी सीटें नहीं दी जाती? आरक्षित सीट पे किसी भी, आज काउंट कर लो पूरे भारत में विकलांग को किसी पार्टी का टिकट नहीं है। क्या कोई विकलांग साथी इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं है? आज तक हुआ नहीं, आज तक है बहुत साथी लेकिन हमें अनदेखा किया गया है। आने वाली सरकारें हैं, जो भी पिछली सरकारों का भी मेरा विरोध है कि हमारे विकलांग साथियों को इन इलेक्शन लड़ने में साया टिकटें दी जाएं। अब देखते हैं कि लगातार जो मांगे पिछले 5 वर्षों में 9.5 वर्षों में जो उठती रही हैं, अब वो मांगे फिर से इलेक्शंस के अंदर अलग अलग जगहों पर लोग जरूर उठा रहे हैं, चाहे वो सड़कों की बात हो, चाहे वो सीवरेज की बात हो, चाहे वो लाइटों की बात हो, या फिर कहीं ना कहीं पेंशन से जुड़ी हुई और रोजगार से जुड़े मुद्दे हों। तो आप सभी से निवेदन, वीडियो को शेयर करें, फिर से जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर। तब तक के लिए जय।